ये डेफिनेशन दी गई है बुकिश कि इनवर्ट ट्रांसवर्स इंक्लीनेशन प्रोवाइडेड एट क्रॉस सेक्शन क्रॉस सेक्शन पर दिया जाता है कैरिज वे पर एट द हॉरिजेंटली कर्व्ड हॉरिजेंटल कर्व पर दिया जाता है इसको आसान भाषा में समझे कि जब हम हॉरिजेंटल कर्व को कर्व पर रोड का बाहरी सिरा अंदर वाले सिरे की तुलना में थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं तो इस तरह जो हम वहां पर एक हमारा स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कहलाता है सुपर एलिवेशन या हम जिस तरह से रोड को डिजाइन करते हैं ज्योमेट्रिक डिजाइन में वो कहलाता है उसका सुपर एलिवेशन मींस बाहरी किनारे को, किनारे को को भीतरी आउटर इनर एज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है ये कहलाता है सुपर एलिवेशन ऐसा क्यों किया जाता है इसको कैसे मेजर करते हैं इन सब पर अभी हम बात करेंगे और डेफिनेशन क्या कहती है

काउंटर एक्ट द इफेक्ट ऑफ सेंट्रल फ्यूगल फोर्स आपको पता है कि जैसे ही कर्व पर गाड़ी मुड़ती है है, उसके ऊपर एक करता उसको करने करने के लिए, counter करने के लिए, लिए और centrifugal force को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे सुपर एलिवेशन बनाते हैं। कैसे तो जैसे ही उस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है तो व्हीकल की टेंडेंसी होती है या तो ओवर टर्न हो जाता है या स्किड होता है तो आउटर एज जो है द आउटर एज ऑफ द इज रिस्पेक्ट टू द इनर एज जैसा मैंने अभी बताया कि आउटर एज को इनर एज के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं क्यों उठा देते हैं दस प्रोवाइडिंग अ ट्रांसफर स्लोप एक स्लोप दे देते हैं द लेंथ ऑफ द कर्व कर्व जो की horizontal curve की जो कि की लेंथ है उस पर पूरे पर एक ऐसा स्लोप रहता है आप देखा होगा आपने लेकिन आपको उस समय पता नहीं था कि ये कहलाता क्या है दिस ट्रांसफर्स इंक्लिनेशन टू दर्फेस ये इनक्लिनेशन है यही आपका सुपर एलिवेशन कहलाता इसको और भी कहा जाता है पर हम इसको सुपर एलिवेशन ही कहते हैं है, क्यों उठा दिया जिससे सेंट्रिफ्युगल फोर्स को कम किया जा सके सेंट्रिफ्युगल फोर्स लगेगा तो क्या होगा सेंट्रिफ्युगल फोर्स लगेगा तो व्हीकल को बाहर की तरफ धकेलेगा और बाहर की तरफ धकेलने से व्हीकल का क्या होगा ओवर हो सकता है या स्कीड हो सकता है तो वहां पर कर्व पर स्मूथली व्हीकल टर्न हो जाए उसके लिए हम आउटर एज को इनर एज के रेस्पेक्ट में ऊपर उठा देते हैं इसको सुपर एलिवेशन कहते हैं ये आपको समझ में आ गई होगी बात अब द सुपर एलिवेशन स्मॉल ई ई इसको स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं इज एज द द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ आउटर एज विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजॉन्टल विड्थ आउटर एज और हॉरिजॉन्टल विड्थ के रिस्पेक्ट में देते हैं अल्टीमेटली क्या है एक स्लोप है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का स्लोप क्या है वर्टिकल स्लोप है कि इतना vertical, इतने horizontal पर. Slope आप समझते हैं ना? अब हम बात करते हैं फैक्टर्स कौन से फैक्टर्स हैं जो सुपर एलिवेशन को इफेक्ट करते हैं फैक्टर्स ऑन व्हिच सुपर एलिवेशन डिपेंड्स किस किस पर डिपेंड करता है सुपर एलिवेशन विड्थ विथ ऑफ रोड इनक्रीजेस एलिवेशन डिक्रीजेस एंड वाइज वर्सा यानी कि यदि रोड विथ को बढ़ाएंगे तो सुपर एलिवेशन कम होगा और versa, मतलब इसका उल्टा यदि रोड विथ को हम बढ़ा करेंगे तो क्या हो रहा है एलिवेशन का सुपर एलिवेशन कम हो रहा है और यदि रोड विथ कम करेंगे तो क्या होगा सुपर एलिवेशन बढ़ जाएगा रेडियस ऑफ करव

हमारा सुपर एलिवेशन डिपेंड करता है। अब बात करते हैं द ऑब्जेक्ट जिस पर जो व्हीकल बाहर की तरफ जा रहे हैं उनको रोकना टू हेल्प अ फास्ट मूविंग व्हीकल टू नेगोशियट अर्ड पाथ

तो ये इस तरफ जब जाती है तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है किस डायरेक्शन में इसको बाहर की तरफ धकेल रहा है देखिए आप इस एरो से समझ में आ रहा होगा कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये इसको कहा की तरफ धकेल रहा है बाहर की तरफ ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है ना ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि मैं यहां से जबकि सुपर एलिवेशन दे देने के कारण एक सुपर एलिवेशन का फोर्स नीचे और ट्रांसफर फ्रिक्शनल फोर्स टायर के कारण ये टायर से लग रहा है और ये इसके कारण लग रहा है ये इसको वापस इस तरफ ले रहा है तो एज पर क्या कर रहा है? इसको कर रहा है। ये इ नहीं होंगे ये वाले फोर्सेज नहीं होंगे तो ये व्हीकल किधर चला जाएगा इधर इधर से या तो स्किड हो जाएगा या ओवर टर्न हो जाएगा तो ऐसा ना हो इस कारण से हम आउटर एज को उठा देते हैं ये इसकी विथ ऑफ द रोड है बी और ये हमारा क्या है सुपर एलिवेशन यहां देखिए ये यह एक व्हीकल है ये कर्व पर क्या होगा ये आउटर एज उठी हुई है ये इनर एज छोटी है किसी एंगल अल्फा के साथ है ये सपोज करें कि ये सीजी है यहाँ बहुत ध्यान से देखिएगा ये आपकी बुक में भी डायग्राम बना हुआ है ये इसकी सीजी है जहां मेरा कर्सर है ये सीजी है सीजी से इसका वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा डब्लू डब्लू इज द वेट ऑफ द व्हीकल और इस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है पी That is force. देख रहे हैं आप? अब को आपको याद होगा फ्रिक्शन में भी ये चीज पढ़ते हैं हम ये इनक्लाइंड एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एक वेट इसका नीचे जा रहा है ये एंगल अल्फा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके दो कंपोनेंट जाएंगे एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा एक कंपोनेंट इस तरफ जाएगा ये एंगल इसके साथ बना रहा है अल्फा अल्फा ये alpha है तो ये भी अल्फा होगा तो ये एक कंपोनेंट कंपोनेंट W का हो गया, w cos alpha, हो गया गया अल्फा अल्फा और दूसरा इसके साथ साथ यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स F भी लगेगा कौन सा वाला फ्रिक्शनल फोर्स F जो ये धर्म हमने बोला है फ्रिक्शनल फोर्स F इस तरफ इसके साथ साथ ये जो है W साइन अल्फा इसका एक कंपोनेंट हो गया अब इसके साथ जो पी फोर्स लग रहा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके भी दो कंपोनेंट जाएंगे ठीक है ना तो एक P cos एक अल्फा अल्फा और ये दोनों कंपोनेंट भी इधर पे है और ये रेडियस ऑफ कर्व है ठीक है तो यदि हम इनको रिजोल्व uh, करें तो W साइन अल्फा जो इस तरफ जा रहे हैं फोर्सेस उनको इस तरफ ले लें जो इस तरफ जा रहे हैं फोर्सेस उनको हम इस तरफ ले लें तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी यहाँ देखते हैं कि एनालिसिस ऑफ सुपर एलिवेशन में कि द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल मूविंग ऑन द सर्कुलर कर्व्स रेडियस आर मीटर्स एट स्पीड ऑफ वी मीटर पर सेकेंड कोई फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि सर्कुलर कर्व पर आर मीटर की रेडियस है और स्पीड उसकी वी मीटर पर सेकेंड है तो साइंटिफिकल फोर्स क्या हो जाएगा पी इज इक्वल टू डब्ल्यू वी स्क्वायर अपॉन जी आर एक्टिंग हॉरिजोंटल आउटवर्ड्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा द वेट डब्ल्यू ऑफ द व्हीकल एक्टिंग वर्टिकली ये देखिए अगेंस्ट लग, लग, लग रहा है ये उसकी जी के आउटवर्ड लग रहा है और ये सीजी के डाउनवर्ड लग रहा है पेयमेंट सर्विस टूवर्ड सेंटर ऑफ द कर्व ये हमने यहां पर देखा था ये यह यहां पर ट्रांसफर्स फ्रिक्शन भी लग रहा है इसको हम न्यूमेरिकली जब रिजोल्व करेंगे तो Wv स्क्वायर अपॉन जी आर कॉस अल्फा हमने दोनों तरफ डिवाइडिंग कॉस अल्फा ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कॉस अल्फा से डिवाइड किया तो यहाँ पर एक इक्वेशन बना दैट इज टेन अल्फा f प्लस f इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन जी आर वन माइनस अल्फा फिर इसके बाद हमने ये देखा इसको रिजोल्व करते गए हम इसको 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 सॉल्व सॉल्व किया जब आप कॉपी पर इसको करेंगे तो 1 is equals to less than 1, तो इसको 1 मान लेते हैं हम तो e. E जिसको हमने ब्लॉक में रखा है यदि आपकी वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में है और रेडियस मीटर में है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे फिर ई प्लस एफ स्क्वायर अपॉइन वन ट्वेंटी सेवन आर यदि आपकी वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में है और रेडियस मीटर में ही है तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे ये वाला तो ये ध्यान रखिएगा आपको ये ध्यान रखना ये फार्मूले के ही बेसिस पे कुछ स्मॉल क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि e plus f v square upon gr और e plus f v square upon 127 r कई बार वायवा में पूछते हैं ये क्यों अंतर है यदि वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी गई है तो ये वाला फार्मूला v gr और यदि किलोमीटर पर आर में दी गई है तो

पता है अब हम बात करते हैं मैक्सिमम सुपर एलिवेशन की और मिनिमम सुपर एलिवेशन की इन द केस ऑफ हैवी लोडेड बल्क कार्ट्स एंड ट्रक्स कैरिंग लेस डेंस मटेरियल्स लाइक स्ट्रॉ और कॉटन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लोडेड व्हीकल विल बी रिलेटिवली हाई एंड इट नॉट बी सेफ फॉर सच व्हीकल्स टू मूव ऑन अ रोड विद हाई रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ऐसे व्हीकल्स जैसे कि की बुल्ड ट्रक्स जो कि बहुत ज्यादा डेंस मटेरियल लिए हो लाइक like कॉटन जो उसका एरिया बहुत ज्यादा हो वेट भले ना हो द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ लोडेड व्हीकल विल बी रिलेटिवली हाई तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जो रिलेटिवली अधिक होगी एंड इट विल नॉट बी सेफ फॉर सच व्हीकल्स टू मूव ऑन अ रोड विथ हाई रेट ऑफ सुपर एलिवेशन हाई रेट ऑफ सुपर एलिवेशन पर अगर बहुत ज्यादा बल्कि टाइप का व्हीकल क्रॉस होगा तो पलट जाएगा

आपको लिमिट कर रखा है IRC की गाइडलाइन इसको बोलती है तो यह था मैक्सिमम सुपर एलिवेशन अब हम बात करते हैं क्या बहुत अधिक वैल्यू दे दोगे ना सुपर एलिवेशन की तो क्या होगा स्लोप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जाएगा तो वो पलट जाएगा, तो दूसरा व्हीकल पलट ही नहीं क्रॉस ही नहीं कर पाएगा इसलिए मैक्सिमम वैल्यू को भी हमने लिमिट कर दिया है अब बात करते हैं मिनिमम मिनिमम सुपर एलिवेशन मिनिमम किसके लिए चाहिए ड्रेनेज के लिए बस चाहिए कि पानी ना भरे निकल जाए

मतलब अगर केम्बर से भी कम वैल्यू आ रही है तो हमको ड्रेनेज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से केम्बर के बराबर ही देना है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ सुपर वैल्यूएशन इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ केम्बर केम्बर की जो वैल्यू होगी वही मिनिमम वैल्यू होगी सुपर एलिवेशन की और मैक्सिमम क्या है 7% प्लेन एरियाज 10% हilly एरियाज 4% अर्बन एरियाज स्टैच्यूज विद नंबर ऑफ क्शन आप तो याद रखिएगा मैक्सिमम वैल्यू सेवन परसेंट मिनिमम वैल्यूलबर ये बात आपको समझ में आई होगी डिजाइन ऑफ सुपर एलिवेशन अगर हमें कहीं का सुपर एलिवेशन डिजाइन करना पड़े तो क्या करेंगे हालांकि ये पार्ट आपको मैं थोड़ा सा ब्रीफली बताऊंगा अः आपके सिलेबस में डेफिनेशन लेवल और न्यूमेरिकल लेवल तो है लेकिन डिजाइन पर्पस का आप लोगों को शायद नहीं है इस कारण लेकिन तब भी इसके बारे में भी आप जानिए step 1 the super elevation of 75% design speed v meter per second square is calculated and neglecting the friction yahan par e plus ye 0.75 v square isliye kar diya hai kyunki meter per second per kilometer per hour ke hisab se baat ho rahi hai to yahan par ye value ho jayegi v square upon 225 r step 2 if the calculate value of e is less than 7% or 0.07 the value so obtained is provided the value of e as step one

step four the allowable speed va meter per second or va kilometer per hour at the curve is calculated by the considering the design coefficient lateral friction and maximum super elevation e plus f to 0.07 plus 0.15 is equals to va square upon 127 r isse calculate kiya if the allowed speed as calculated above is higher than the design speed then the design is adequate and provides super elevation of e equal to 0.07 yadi sab kuch theek hai adequate hai to hum

फुल सुपर एलिवेशन एलिमिनेशन ऑफ क्राउन ऑफ द कैम्बर्ड सेक्शन पहले मेथड की बात करें फर्स्ट मेथड आउटर एज रोटेटेड अबाउट द क्राउन आउटर एज क्राउन के अबाउट रोटेट करेंगे ये डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ ऐसे बनाना तोड़ दिया फिर ये 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 करके इसको अटेंड किया तो यहाँ जाके आपको क्या मिल गया एक सुपर एलिवेशन मिल गया क्या डिसएडवांटेज है स्मॉल लेंथ ऑफ रोड क्रॉस स्लैप लेस देन कैम्बर छोटी सी लेंथ है और क्रॉस स्लोप जो है वो कैम्बर से कम रहेगा ड्रेनेज प्रॉब्लम होगी कहां पर आउटर हाफ पर सेकेंड मेथड क्राउन शिफ्टेड आउटवर्ड्स क्राउन को हम आउटर क्राउन समझते हैं ना सेंटर पोर्शन उसको हम आउटवर्ड उठा दें डिसएडवांटेज लार्ज नेगेटिव सुपर एलिवेशन ऑन आउटर हाफ नेगेटिव हो जाएगी वैल्यू आउटर हाफ पर डाइवर्स द टेंडेंसी टू टर्न दीकर अलोंग शिफ्टेड क्राउन डाइवर की आदत रहती है घुमाते हैं इसके कुछ डिस हैं अब रोटेशन ऑफ पेमेंट टू अटेंड फुल सुपर एलिवेशन पूरा सुपर एलिवेशन हमको बनाना है रोटेशन अबाउट द अबाउट सी एल डिप्रेसिंग द इनर एज एंड रेजिंग द आउटर एज इच बाय हाफ द टोटल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ठीक है तो एडवांटेजेस क्या है इसके अर्थवर्क इज बैलेंड वर्टिकल प्रोफाइल ऑफ द सी ऑब्लिक एल रिमेन्स अनचेंज ठीक डिसएडवांटेज क्या है ड्रेनेज प्रॉब्लम है डिप्रेसिंग द इनर एज बिलो द जनरल लेवल तो हर के कुछ एडवांटेजेस हैं कुछ डिसएडवांटेजेस हैं बेहतर तरीका यही होता है कि हम आउटर एज से क्या करते हैं बनाते हुए आते हैं सेंटर की तरफ जिससे आउटर की एज उठी रहे और नीचे की तरफ रखे एक टेम्पलेट होता है उससे बनाया जाता है आउटर एज को धीरे धीरे करके ऊपर उठाया जाता है पूरी कर्व लेंथ पर यह है आपका सुपर एलिवेशन तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये बात आपको समझ में आई होगी आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही इसके बाद हम बाकी की बात नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में करेंगे थैंक यू